हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुलदीप यू के। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है देवभूमि की इन हसीन वादियों में। अभी दोस्तों शाम का टाइम है और मैं आ रखा हूँ अपने गांव के सबसे ऊपर वाले मंदिर में। और दोस्तों कुछ दिनों के बाद हमारे गांव में माँ बूंखाल भगवती का मेला होने वाला है। तो आप सभी को पता होगा हर साल नवम्बर दिसंबर के महीने ये मेला होता है, जहाँ दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं माँ भगवती के दर्शन करने के लिए। और हमारा गांव वैसे भी बाउंड्री में है, पौड़ी की बाउंड्री में, तो यहां से मतलब लोग रुद्रप्रयाग से भी आते हैं, चमोली डिस्ट्रिक्ट से भी आते हैं। तो यहां से देखिए जो आपको सीधा सामने त्रिशूल पर्वत दिख रहा है ना, वो वाली बाउंड्री है चमोली की, और उससे उस साइड वाली रुद्रप्रयाग की। तो हम बिल्कुल बाउंड्री के सामने रहते हैं। आज हमारे गाँव में मतलब मंदिर के आसपास 1100 झंडियाँ लगी। तो अभी मैं आपको यहाँ से मतलब मंदिर का व्यू भी दिखाऊँगा। तो मतलब सुबह से वो लोग लगाने पे लगे थे और एक मस्त वाला दृश्य दिख रहा है। उत्तराखंड में ना दोस्तों देवियों की यानी कि स्त्रियों की ज़्यादा पूजा होती है, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा नदियों के नाम स्त्रियों पे होते हैं, मंदिरों के नाम देवियों के नाम। जैसे एक मंदिर मेरे ही सामने है, माँ भरणी देवी का मंदिर और माँ बूंखाल देवी का मंदिर। यहाँ पीछे माँ डौनियों देवी का मंदिर है और इस तरफ है माँ धारी देवी का मंदिर, और टिहरी में सुरकंडा देवी, अन्य अन्य जो भी आपको नाम दिखे होंगे। हर कोई मतलब देवी स्त्रियों की बहुत पूजा होती है हमारे गढ़वाल में, गढ़वाल यानी कि उत्तराखंड क्षेत्र में। और पहाड़ की स्त्रियां दोस्तों पहले से ही हर किसी पे भारी पड़ती हैं। आपने सुना होगा तीलू रौतेली गौरा देवी और नकटी रानी कर्णावती के बारे में आपने सुना होगा। अगर नहीं सुना होगा तो कर्णावती मतलब ऐसी रानी थी जिसने मुगल सेनापति की नाक कटवाई थी जब उनने गढ़वाल पे आक्रमण किया था। तो मतलब सारी सेना के नाक कटवाए थे, तब से उनका नाम नकटी रानी पड़ा था कर्णावती का नाम। तो ऐसा कुछ है। तो गढ़वाल में मतलब पहले से ही स्त्रियों की पूजा होती है। तो अभी देखिए सन डूबने वाला है और शाम का व्यू कुछ ऐसा आता है हमारे यहाँ से। तो इस वाली पहाड़ी से मैं आपको माँ बूंखाल भगवती का मंदिर। यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ बिल्कुल सफाई हो चुकी है मेले के लिए, और झंडियाँ देखिए शाम के टाइम कितनी मस्त लग रही हैं, पूरी लाल लाल चारों तरफ। और मैंने अभी आपको ऊपर से भी व्यू दिखाया, तो अभी मैं आपको मंदिर में लेके चलता हूँ। तो दोस्तों ये है हमारी माँ बूंखाल कालिंका की खाट, जिसमें कि माँ भगवती को उस टाइम दफनाया गया था जब गोरखाओं ने गढ़वाल में आक्रमण किया था। तो वो मतलब माँ कालिंका का धड़ यहाँ से काट के ले गए थे सर नेपाल, और बाकी का नीचे का हिस्सा यहीं छोड़ दिया था। तो तब से माँ भगवती मतलब पहले बलि मांगती थी, लेकिन अब तो लोगों ने बंद कर दिया है प्रशासन ने। तो पहले इसके चारों साइड मतलब बागी भैंसे काटे जाते थे, और मतलब बहुत सारे मतलब जिनकी मनोकामनाएं भगवती पूरी करती थी ना, तो वो बागी भैंसे काटते थे और बकरी काटते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता है, अब डोलियां आती हैं और डोलियां मतलब फूल वगैरह चढ़ाते हैं और तब ऐसा होता है। तो अब मैं आपको मेले के दिन दिखाऊंगा कि मतलब किस तरह डोलियां आती हैं। तो मेले के दिन तो यहाँ पे आपको घुसने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी, चारों तरफ बिल्कुल फुल हजारों की संख्या में लोग आए रहते हैं, तो लाइन लगती हैं। पिछले साल मतलब यहाँ से पूरी लाइन लगी थी वहाँ से भी, और यहाँ पे हो रहा था भंडारा, तो इस बार भी देखते हैं किसका भंडारा होता है। तो अब मेले के दिन ब्लॉग बनाएंगे यहाँ का। हाँ बनो ना। तो यहाँ पे दोस्तों आप हमारे गांव की नई ब्लॉगर देख सकते हैं मीनू नेगी। मीनू नेगी ना भाई, मीनू क्या चे? मीनू यू के ब्लॉग, MINU। इस वेलिंग का न्यू ने। तो मीनू के चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।